अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, मर्द आए कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं और तारिक महमूद। मैं गुलजार। मैं मुंबई। तो आज हम जिस वीडियो को देख करने जा रहे, वीडियो का टाइटल है हाउ क्रिश्चियन लिव्स इन पैलेस्टाइन। तो आप लोग एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ भाई। फिलहाल भाई मेरा ये पैलेस्टाइन में दूसरा दिन है और यहाँ पे पैलेस्टाइन में थोड़ा मोटा देख रहा हूँ क्या यहाँ पर। हालांकि पैलेस्टाइन के अंदर भाई ज्यादा कुछ करने को है नहीं, पैलेस्टाइन में जो चीजें करने को है भाई वो बेथलहम में है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। उसके अलावा भाई साउथ में सिटी नेबुलस वहाँ भी है कुछ कुछ करने को। तो सिटी यहाँ पे तीन चार सिटी यहाँ पे आप कुछ कुछ कर सकते हो, लेकिन भाई फिलहाल ये दिख रहा है ऐसा यहाँ पे नजारा, ये भाई आसपास की बिल्डिंग्स। लेकिन आज भाई ठंड बहुत है एकदम भाई, भी दोपहर के 12 बज रहे हैं। हाँ भाई एकदम कनकना सा हो रहा है, ठंड लग रही है मुझे। तो आज ठंड है भाई, हम लोग फिलहाल यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे देखो यार कितनी गंदगी फैली हुई है, कचरा फेंक रखा है हर जगह भाई। यहाँ पे टीवी लोगों ने फेंक रखा है और यहाँ पे बारबेक्यू पिज्जा भी है और खाली भाई लैंड पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो भाई रामाला में कुछ करने को था नहीं, तो हम लोग फिलहाल जा रहे हैं भाई जिफना भाई और एक शेयर टैक्सी लेके जा रहे हैं भाई हम लोग। लेकिन अगर आप देखो तो एकदम हालत ख़राब है भाई, अगर बात करो तो इस सामने भाई सब गाड़ी करा कर रखे हैं, पता नहीं गाड़ी कैसे निकलेगी भाई। एकदम हर तरफ ट्रैफिक ही है भाई और इन्होंने 5 लोकल करेंसी लेना है जहाँ हमें छोड़ देंगे। तो 110 रुपये में अराउंड 12 किलोमीटर सिटी के अंदर ही, लेकिन 12 किलोमीटर यहाँ सिटी से दूर है। एक छोटा सा शहर है भाई जफना और वहाँ पे भाई जितने भी लोग रहते हैं मोस्टली क्रिश्चियंस हैं। तो जाके देखते हैं वहाँ पे। भाई हम लोग जफना आ चुके हैं फिलहाल और यहाँ पे हालांकि करने को कुछ है नहीं यहाँ पे ऐसा, लेकिन खूबसूरत नज़ारा है भाई। अगर आप देख पा रहे हो तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से भाई, इस तरफ उस तरफ हर तरफ काफ़ी शांत सा शहर है। और यहाँ पे भाई एक चर्च है, तो बेसिकली यहाँ पे क्रिश्चियंस लोग यहाँ पे रहते हैं और ये क्रिश्चियन लोकेलिटी है। यहाँ पे मोस्टली जो हैं सेल्बी की तरह जो क्रिश्चियन हैं वो रहते हैं। तो जाके जा देखते हैं चर्च वगैरह में क्या है। तो भाई अकॉर्डिंग टू सम बुक्स एंड थिंग्स भाई यहाँ पर जो वर्जिन मैरी थी, जो जीसस क्राइस्ट की मॉम थी, वो यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर एक वर्जिन मैरी का चर्च है, ज़रा जाके देखा जाए कि चर्च कैसा है यहाँ पर। लेकिन जो यहाँ पर भाई नज़ारे एकदम काफ़ी शांत है और घड़ी वगैरह एकदम काफ़ी सही बनी हुई है। मुझे याद है कि मैं इसी तरह कुछ सीरिया के अंदर गया था जहाँ पर जीसस क्राइस्ट की अभी भी लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन छोटे छोटे घर है, एकदम शांत सा घर है यहाँ पे, कोई बाहर निकला हुआ है नहीं। और यहाँ पे एक्चुअली अच्छी बात है कि रमादान नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्रिश्चियन लोकेलिटी एरिया है, तो आप यहाँ पे खाना पीना ही खा सकते हो। जनरली रमाला के अंदर आपको खाना पीना, हालांकि वहाँ पे KFC एंड पॉपाइज एंड डोमिनोज मिल जाएगा, लेकिन भाई जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट है वो दिन भर बंद रहते हैं भाई। उसका जो मेन रीज़न है कि भाई क्योंकि भाई वहाँ पे मोस्टली मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं, तो वो मुस्लिम को दिन भर खाना खाएंगे क्योंकि रमादान चल रहा है फिलहाल अभी। ये भाई आसपास का लोकेलिटी है, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। एक टूटी फूटी बिल्डिंग सही भाई, ये बिल्डिंग पूरी तरह से टूटी है बट काफ़ी मुझे ओल्ड बिल्डिंग लग रही है ये। ये भाई देखो कितनी बिल्डिंग टूटी फूटी है यहाँ पे भाई, काफ़ी लेकिन पीसफुल है भाई। यहाँ पे देखो कितने मस्त फ्लावर्स दिख रहे हैं। चलो जरा चला जाए, ये कुत्ते भाई हमें उस काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। आ जा, क्या हाल है। तो भाई यहाँ पे एक चर्च तो है यहाँ पर, लेकिन बंद पड़ा हुआ है भाई। ये शहर नहीं भाई गांव ही बोल लो, इस गांव में भाई सब कुछ फिलहाल तो बंद पड़ा हुआ है। एटलीस्ट भाई अगर आप इंडिया में आओगे आप तो आपको गांव वगैरह में भी लोग मिलेंगे, भाई यहाँ आपके लोग बिल्कुल मिलेंगे नहीं। वेल तो भाई यहाँ पे एक स्क्वायर है भाई इस शहर का या गाँव का। तो भाई मैरी है और मैरी के जो हाथ में जो बच्चा है भाई वो जीसस क्राइस्ट है। यहाँ पे ये कुछ तरह का ऐसे बना हुआ है भाई, पोल भी है। एक्चुअली ये तो भाई बहुत ही बोरिंग सिटी है यार, यहाँ पे आपको ये बोर कर रहा हूँ मैं फिलहाल तो। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कल भाई रामाला से चल के मैं फिलहाल आ चुका था बेथलहम। बेथलहम राइट, ये पढ़ना बेथलहम बेथलहम। और दिस इज पैलेस्टाइन क्लोथ, ये जो मेरी होस्ट है इन्होंने हमें ये दिया पैलेस्टाइन क्लोथ। व्हाट इज दिस कॉल्ड, तरबूज। तरबूज, अरबूज, तरबूज। Tarbush. Yes, tarbush. You put it on your head. Because it's a red color? No, red color is ahmar, but this is just called tarbush. Tarbush. Yeah, Palestinian cloth hai bhai ye. Palestine ka cloth hai ya local traditional red. Ye iske dada ka hai aur ye iski maa ka hai. Ye selvi is tarah pehen rakhi hai. Yeah, this is tatriz, which what do they call it in English? Handmade things? Yeah, it's handmade. Handmade. Yeah. Or this is only for girls or guys? No, this is only for boys. This is only for boys, okay. Yeah, but you have this where... And you wear this with the scarf. Also, this is for the guys. Yeah, for the guys. For the guys only. You put it on your head like this. Yeah, like it. I saw this in Saudi Arabia, in yeah. All of the Arabic countries. Yeah, exactly. बट ये भाई लोकल पैलेस्टाइनियन है या पैलेस्टाइन का कुछ ऐसे दिखता है। सही है भाई, एक्चुअली मैंने इस तरह के बहुत सारे फोटो, आई सॉ सम फोटोज लाइक दिस इन अ कैफेज एंड थिंग्स लाइक दिस ड्रेस। या या या
अच्छा लग रहा है पैलेस्टाइन का कपड़ा पहन के. It's very comfortable, yeah. Little bit like Bhutan. Bhutan. Yeah, the robes. Big pockets and things. So that looks nice. वेल तो भाई रोजाना की छत पे ही बैठे हुए इनका नाम है रोजाना और इनका नाम है क्रिस्टीना और ये बोल रही थी कि ये इंडियन लगती है राइट यू लुक लाइक इंडियन आई सेड इफ यू गो टू इंडिया यू गो टू ताजमहल यू कैन जस्ट से वन टिकट एक टिकट लाइक व्हिच नेशनलिटी तुर्किश या लैटिनो यू कैन बी लैटिनो टू तुर्किश अजरबैजानी ईरानियन Okay, Iranian. You have many options. Happy to be Some that. People say Happy to I be look like that. Native American. A little bit, yeah, I can see that. Oh, yeah, Native yeah, Americans, yes. Okay. How the and you, Selvi? You look like American. European, I could be. Yeah, European. That's and, about it. And me, wherever I go, I will always be Indian. Indian, of course. Indian, just Indian. Just Indian. We have other different, you know, Maybe from continents. Sri Lanka. Yeah. Sri Lanka, no. Sri Lankans are more dark than Indians. No, not they Indians. Look like you. Yeah. Yeah. Okay, maybe. But you were saying in Mexico that a lot of people looked Indian. But now yeah. with this, I think you look like an Arab. Arab and you Palestinian. You definitely look like an Arab. Palestinian. Yes. Yeah, Palestinian Arab. Yeah. So this is called the kiber. 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 And this is called the tarbush. तरबूज या इसने मुझे बताया था ये तरबूज है भाई ये किबेर है और यहाँ का लोकल ड्रेस है ये लोग और ये सेल्बी का ड्रेस है बट दिस इज फॉर द मैन डोंट वेयर दिस ओह सॉरी सर आई विल बी हियर ट्वाइस तो भाई मैंने दोनों पहन लिया है Oh, you never tried the dress yet. Okay. No. Oh, this is a dress. Nice. Wow. Looks very nice. This is handmade. Handmade? Yeah. It takes days and days to do this. Of course, it's like handmade on all these things, small thread. Intricate. Yeah. Wow. It's called in Arabic it's called the tatriz. Tatriz. Yeah. वैसे भाई मैं हूँ बेतलहम में और बेतलहम भाई काफ़ी रिलीजियस प्लेस है उसका जो भाई मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था जहाँ पे आपको दिखा पा रहा हूँ वो एक चर्च दिख रहा है भाई मेरे सामने आई थिंक कैमरा से नहीं दिख रहा होगा वहीं पर भाई जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था हालांकि भाई अभी भाई बेतलहम हालांकि यहाँ पे काफ़ी रिलीजियस प्लेस है क्रिश्चियन के लिए लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली लोग रहते हैं वो मुस्लिम्स हैं और एक्चुअली ये जो मेरी जो होस्ट है वो भी एक्चुअली मुस्लिम नहीं वो क्रिश्चियन है बट अरब क्रिश्चियन है और इनसे मेरी अच्छी खासी बात हो रही थी 4-5 घंटे से हम लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत कुछ बताई एक्चुअली मुझे भाई पता भी नहीं था कि ये पैलेस्टाइन के अंदर एक पासपोर्ट होता है पैलेस्टिनियन पासपोर्ट भी होता है तो ये उसी पासपोर्ट से श्रीलंका भी गई थी सो यू वेंट विद श्रीलंका विद द पैलेस्टिनियन पासपोर्ट राइट या बट विद अ वीजा आई नीड अ वीजा व्हिच कंट्री एक्सेप्ट पैलेस्टिनियन पासपोर्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यू नीड अ वीजा टू गो टू दीस कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर आई गेस 13 और 16 कंट्रीज 16 कंट्रीज वेयर यू डू नॉट नीड अ वीजा टू गो टू दीस कंट्रीज वाओ तो भाई इनका पासपोर्ट हमारे पासपोर्ट से भी काफी खराब है क्योंकि हमारा पासपोर्ट से एटलीस्ट भाई 60-70 कंट्री तो हैं ही अगर यूएस वीजा लग जाए तो फिर 100 से ऊपर कंट्री हो जाती है लेकिन इनका पासपोर्ट सिर्फ 15-16 कंट्री जा सकती है लोग तो थोड़ा वीक है बट भाई ये दिख रहा है नज़ारा यहाँ से ये बता रही थी कि इसके ऊपर आप जाओगे तो वहाँ से अलक्सा मॉस देख सकते हो इस वाले जो चार आपको भुजा दिख रही है यहाँ पे दिस इज एन ऑर्फेनेज प्लेस या एंड यू कैन सी अलक्सा मॉस फ्रॉम देयर राइट या नाइस नाइस एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी द नेटिविटी चर्च दैट वन या इट्स नो द वन या दैट वन ओके एंड आल्सो दैट वन इट्स द वन विद द क्रॉसेस ओके And today is Palm Sunday, right? Today is Palm Sunday for the Catholics. For the Catholics. And yeah. different for the Orthodox? Yeah. For the Orthodox, I guess it's going to be in 3 weeks' time. 3 weeks' time. 3 weeks' yes, time. Yeah. Orthodox, bhai, jo ki Russia se log hain, but yahan pe Selby, you're also Catholic, right? I was raised Catholic, yes. We are raised Catholic. Why don't you say you're Catholic? I was never confirmed. The last Holy Sacrament you do in high school, and we didn't do the it. The one you so. Do it in, when you're in fifth grade. We do it here when no. you're in fifth oh, grade. Oh, you do it when you're in high school okay. for us, and you get a name from the Bible, a second middle name, and I never did that, so technically I'm not a confirmed Catholic. Okay, you can do it here. I let's can do it anytime. Oh, yes, it's the go. Right place to go we'll right now. We'll baptize you and So, bhai, ye inka chhat aisa dikhta hai, bhai, yahan par. और यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है बेतलहम तो काफ़ी खूबसूरत जगह है मोस्टली क्रिश्चियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है बट यहाँ पे मोस्टली रहते हैं हबीबी कम टू पैलेस्टाइन टू बेतलहम एग्जैक्टली हबीबी कम टू बेतलहम ओके बेतलहम तो भाई बेतलहम आने के बाद सबसे पहले जो यहाँ इंपॉर्टेंट जगह है भाई हम लोग जा रहे हैं चर्च की तरफ क्योंकि भाई चर्च जहाँ पर है वहीं पर माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट है उनका जन्म हुआ था
तो भाई बेतलहम का जो नाम है सारे क्रिश्चियन को तो पता ही होगा, क्योंकि बेतलहम एक काफ़ी रिलीजियस प्लेस है और साथ ही साथ यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। बेतलहम की जो रोडें हैं भाई, इस तरह काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रोड है भाई, अगर देख पा रहे हो नीचे हिल्स हैं, ऊपर चढ़ना पड़ता है। और भाई हमें ज्वाइन कर रही है हमारी होस्ट, हम तीनों जा रहे हैं और ये हमें दिखाने वाली है कि यहाँ पर क्या हिसाब किताब है। चला चला जाए। वेल तो भाई फिलहाल लोग आ रखे हैं सिटी सेंटर भाई बेतलहम के, बेतलहम। और भाई यहाँ की खूबसूरती देखो, ये भाई चर्च एंड दिस इज द मॉस्क, राइट? सो अपोजिट ऑफ इच अदर। तो भाई फिलहाल चल रहा है रमदान, हालांकि बेतलहम क्रिश्चियन के लिए इंपॉर्टेंट जगह है बट यहाँ पर मुस्लिम बहुत काफ़ी रहते हैं। और भाई ये है पैलेस्टाइन फ्लैग और ये भाई सिटी सेंटर है, क्या ब्यूटी है भाई। सामने मॉस्क है, उसकी तरफ चर्च। तो भाई बेतलहम भी है एरिया ए के अंदर आता है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी क्या होता है। तो भाई यहाँ पर भी पैलेस्टाइन गवर्नमेंट जो पैलेस्टाइन PLA है उसका फुल कंट्रोल है बेतलहम के ऊपर भी। चार सिटीज़ भाई यहाँ पे है पैलेस्टाइन के अंदर जिस पे भाई पैलेस्टाइन गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, नबलूस, बेतलहम, रमाल्ला और हेब्रॉन। ये चार सिटीज़ है भाई। So in the past, in order to prevent camels and animals from getting inside, they made it that short. Ah. So when you have to go, you have to bow. To bow, okay. El hand u America. Who's talking to you? Ah. Who is it? I'm here. Yes. यहाँ के भाई लोकल पुलिस है, उन्होंने पूछा कि क्यों यहाँ पर आए हो, तो इनसे पूछता हूँ। क्या क्या उन्होंने पूछा? What they ask? Where do you come from and which way did you take, through Jordan or through Israel? I said, why are you asking? He said, I just have to know. Okay. क्योंकि भाई यहाँ पे आप जॉर्डन से भी आ सकते हो, हालांकि मैं चर्च में आ गया हूँ आपसे बाद में बात। कैंडल ले लिया गया है, इसको बर्न करना है हमें। शैल बी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई यू बर्न कैंडल? What for prayer? For prayer? Yeah. Okay. Light a light for somebody, for something, because. Okay. तो भाई यहाँ पे कैंडल लगाने वाले हैं यहाँ पे। ये तीनों भाई रूस से नागरिक हैं, क्योंकि इनकी रशियन में बात कर रहे थे एक दूसरे से। मैं जलाऊंगा ये कैंडल। तो भाई मैं भी कैंडल लगा रहा हूँ। यह जो जगह आप देख रहे हो, ये बिलीव्ड है कि जो जीसस क्राइस्ट थे यहीं एक्जैक्टली सेम लोकेशन पे बॉर्न हुए थे। ये कुछ ऐसा नज़ारा है भाई यहाँ पे आसपास का। और भाई एग्जैक्टली ये प्लेस है भाई जहाँ पर जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे, जो आप स्टार देख रहे हो एग्जैक्टली यही प्लेस है भाई। तो भाई हम लोग चर्च के अंदर से आ गए हैं और अंदर एक्चुअली दो पार्ट है, एक कैथलिक पार्ट है, एक ऑर्थोडॉक्स पार्ट है। वह क्रिश्चियनिटी में भी दो टाइप के क्रिश्चियंस होते हैं, एक होते हैं ऑर्थोडॉक्स, एक होते हैं कैथलिक। इस तरह भाई मुस्लिम्स में होते हैं सिया एंड सुन्नी। हिंदूज में तो भाई रिलीजन तो के दो पार्ट नहीं है, लेकिन कास्ट बहुत है हमारे। तो इसी तरह भाई यहाँ पे दो हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और बताई भाई कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो उन्होंने जीरो से लेकिन मतलब जो कि बच्चा था जो जन्म हुआ से दो साल के बच्चे तक सबको मार दिया गया था, और उसका भाई सारा स्कल यहाँ पर है। तो क्योंकि लोगों को लगा कि जीसस क्राइस्ट जो हैं वो नए किंग बनेंगे, तो यहाँ के जो राजा हैं सारे जीरो से लेकर दो साल के बच्चे को मार दिया था उन्होंने। इस तरह भाई थोड़ा कंस ने किया था कि आठवां पुत्र कृष्ण भगवान होगा, तो इसके वजह से भाई उन्होंने जीरो से दो के सारे बच्चे को मार दिया गया था। और ये भाई कैथलिक पार्ट है भाई चर्च का, ये कैथलिक पार्ट है और वो था ऑर्थोडॉक्स पार्ट। और भाई वहाँ पे एक प्लेस भी था जहाँ पर बिलीव किया जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो भाई जो रिलीजन वो तो बिलीव पे ही चलता है, क्योंकि क्योंकि इतनी पुरानी बात एग्जैक्टली पता लगाना मुश्किल है। तो ऐसा बिलीव किया गया कि जो स्टार आपको दिखाया मैंने वहीं पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो भाई चर्च के अंदर से हम लोग फिलहाल आ चुके हैं। और भाई रोजाना ने मुझे एक और बात बताई, तो भाई 2002 के आसपास यहाँ पर एक्चुअली जो पैलेस्टाइन की जो फोर्स थी और इजरायली फोर्स के बीच थोड़ा तनाव था। तो भाई 40 दिनों तक जो पैलेस्टाइन की जो फोर्स थी इसी चर्च के अंदर घुसी रही थी, और एक्चुअली इजरायली फोर्स इसका बाहर वेट कर रही थी कि भाई इजरायली फोर्स इस चर्च के अंदर नहीं जा सकती। तो 40 दिन तक भाई वेट कर रही थी अंदर, और 40 दिन तक भाई चर्च बंद रहा था। ये भाई आई थिंक वन ऑफ द रिलीजियस प्लेस फॉर क्रिश्चियनिटी। और ये भाई लगा हुआ है आर्मेनिया का फ्लैग, और ये भाई आसपास का ऐसा नज़ारा है, और यही भाई सिटी सेंटर है भाई जिसकी वो बात कर रही थी 2002 की, भाई उसी के बारे में बोला गया है भाई फ्री पैलेस्टाइन। तो मैंने भी यहाँ पे एक्चुअली जो बोर्ड बना हुआ है इस चीज़ का जो बात कर रही थी ना कि 40 दिनों तक अंदर में चर्च के अंदर घुसे रहे थे, इसी के बारे में बताया गया भाई यहाँ पर। तो भाई रोजाना बता रही है कि क्रिसमस टाइम पे यहाँ पे आए। We have very nice celebrations here. Scouts, masses, everything that you want. Come to Bethlehem for the Christian. Yeah, come to Bethlehem. भाई ये बता रही थी कि यहाँ पे भाई पॉप आए थे, ये देखिए पॉप की फोटोज हैं। This is a very thick glass to protect him. Yeah. बुलेट प्रूफ ग्लास था भाई इनके पास। 2014 में भाई साहब ये आए थे और सब लोगों से मिले थे भाई। तो भाई रोजाना बता रही थी कि इसको भी लोग बोलते हैं टैक्सी मैडम। Do I look
Do I look like an Arab? You look Indian. Indian? Yeah. Okay, happy. ये एक्चुअली यहाँ की लोकल है, बेथलहम में इसका जन्म हुआ है, फिर भी लोग इसको बोल लगता है कि ये टूरिस्ट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं भाई। हालांकि अभी नहीं आ रहे टूरिस्ट यहाँ पे, लेकिन पहले काफ़ी टूरिस्ट आते थे यहाँ पे। तो हम लोग फिलहाल भाई क्रिश्चियन एरिया में आ रखे हैं और अपने चेयर देखा ही भाई, भाई हम लोग आ गए खाना पीना खाने के लिए। यहाँ का भाई जो फलाफल है, सी सेइंग दिस इज द बेस्ट फलाफल इन ऑल पैलेस्टाइन, राइट? दिस इज द बेस्ट फलाफल इन ऑल पैलेस्टाइन। व्हेन यू कम हियर जस्ट कम टू अफतीम। अफतीम इज द सिटी सेंटर, इजी टू फाइंड। ये मेन्यू है, प्राइस भी काफी नॉर्मल है एकदम, 8 सिर्फ है भाई, वो सस्ता है। आफ्टर ड्रिंक एनीथिंग? प्रोबेबली चाय इफ यू हैव। चाय फॉर मी, व्हाट डू यू वांट? टी। चाय तीन चाय। हाउ डू से वन इन अरबिक? वाहिद। वाहद। तिनेन। तहन। तिनेन। तिनेन। तलाक। तलाक। अरबा। अरबा। हमसे। हमसे। सत्ते। सबा। सबा। तमनिये। सहा। अशरा। ओके। I'll give this place a 10 out of 10. 10 out of 10 भाई, चलो खाया जाए। वेल तो भाई हम लोग घूम रहे हैं छोटे से स्ट्रीट में बेथलहम में, खाना पीना खाने के बाद भाई, वो जो रेस्टोरेंट था भाई वो 1948 में ही बना था। उसमें लिखा हुआ था कि अपने देश में रिफ्यूजी बन गए और फिर वहाँ पे भाग के यहाँ पर आए थे, वो नॉर्थ में वो लोग थे, तो भाग के यहाँ पर आए और यहाँ पे उन्होंने खोला। और भाई ये दिख रहा है छोटी छोटी गलियाँ, हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्रिश्चियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी जो लोग रहते हैं वो मुस्लिम है। तो भाई यहाँ पे चल रहा है रमजान का टाइम, फास्टिंग चल रही है यहाँ पे, छोटे छोटे शॉप्स खुले हैं भाई और छोटी छोटी गलियाँ हैं। तो भाई चलते चलते भाई मुझे मिला एक कुछ भारतीय नाम, दिखा भाई ताजमहल। व्हाट इज दिस? इट्स अ शॉपिंग सेंटर। हाँ शॉपिंग सेंटर ताजमहल। तो भाई ताजमहल शॉपिंग सेंटर पहली बार सुन रहा हूँ, सही है भाई, मुझे लगा रेस्टोरेंट वगैरह होगा, बट शॉपिंग सेंटर है ताजमहल के नाम से, सही है भाई। इज इट अ मॉस्क और चर्च? चर्च है भाई ये, चर्च। तो भाई ये चर्च है, लूथरन चर्च। व्हाट डज दिस मीन? इट्स अ सेक्टर ऑफ क्रिश्चियनिटी। सेक्टर क्रिश्चियनिटी? या। सेल्बी, where is your hijab? Oh, I'm in a Christian. Hello. Hello. How are you? Hello. Thank you, Rauf. Huh? Thank you, Rauf. Thank you, Rauf. Rauf. Kaifa haluk? Rauf. His name is Rauf. Ah. Aywa. Kaifa haluk? Min wain? Enta min wain? Enta min wain? Min shatal. Good. Good. No. Oh. He didn't ask you halak. He said enta min wain. Alhamdulillah. Where are you from? Hind. Hind, oh, Hind. Hind, good. Is it in Arabic, India's Hind, right? Hind, yes. Hind, okay. Hind. It's also a name of a girl here. Ah. Say Hind. Okay. So I should say India or Hind here? No, just say Hind. Hind, okay. Hind. तो भाई बेसिकली मैंने इनसे पूछा कि यहाँ पर क्रिश्चियन भी इतने रहते हैं और यहाँ पे मुस्लिम भी इतने रहते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है? उन्होंने कहा नहीं, क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच अभी स्पेशली इन पैलेस्टाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स भाई बेसिकली ये अपने आप को क्रिश्चियन होने के बावजूद ये बोलते हैं कि इसराइल कोई देश नहीं है, क्योंकि पैलेस्टाइनियन है पहले, देन ये क्रिश्चियन या फिर रिलीजन आता है। पहले ये रीज़न को नापते हैं, उसके बाद फिर रिलीजन आता है। तो यहाँ पे जितने भी पैलेस्टाइनियन हैं, या चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुस्लिम हो, बेसिकली कहीं कोई ज्यूज पैलेस्टाइन नहीं होता। जितने भी भाई ज्यूज थे वो इसराइल के अंदर रहते हैं, तो फिर इसराइल कंट्रोल एरिया में रहते हैं। तो यहाँ पे भाई एक दूसरे में प्यार है, क्रिश्चियन और मुस्लिम में बहुत काफ़ी प्यार है भाई, एक साथ रहते हैं, जो कि भाई अच्छा लगा, मतलब बहुत सुन के अच्छा लगा कि प्यार बने रहे बस। और ये जो इस रीजन में अशांति इतनी फैली हुई है, बस थोड़ा रीजन शांत हो जाए, क्योंकि ये रीजन जो है भाई, क्या इसराइल हो या चाहे पैलेस्टाइन हो, दोनों काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी लोग अच्छे हैं। फिलहाल भाई अभी रमजान का टाइम है, तो आप देख सकते हो कि सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम एरिया में हम लोग फिलहाल आ रखे हैं। और भाई यहाँ पर पानी वगैरह तो कोई पीते नहीं है, तो खाने पीने का खाना पीना बन रहा है, क्योंकि एक दो घंटे के बाद इफ्तार होगा, एक दो घंटे बाद भाई लोग आपस खाना स्टार्ट करेंगे कि दिन भर सहने के बाद भाई, तो ये अच्छी बात है भाई। वेल भाई तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपसे भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर मैं आपको ये पूरा एरिया दिखा रहा हूं। वैसे भाई मेरा इंस्टाग्राम है नोमेड शुभम, अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। फिलहाल के लिए भाई आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, मेरा भाई इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए मैं इसराइल और पैलेस्टाइन आया हूं आपको दिखाने के लिए और खुद देखने के लिए और कैसा है इसराइल और पैलेस्टाइन। अगर सब्सक्राइब नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग पैलेस्टाइन, मैंने तो सोचा था भी वहाँ पे खराबी होगी, लेकिन वहाँ पर भी तो झड़पे झुड़पे कुछ नहीं, लेकिन एक जो चीज
बिल्डिंग जो थी वो जिस तरह इजराइल में थी वैसी साफ सुथरा के माहौल में इजराइल जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा था, देखने को नहीं मिली। लेकिन फलस्तीन में जो है वो देखने को वो चीज जो है, लेकिन भाई खूबसूरत था, खूबसूरत था है जो पहाड़ों पे कहीं ऊंचे साफ रोशनी लेकिन भाई बहुत बढ़िया लगा देख के यहाँ पर क्रिश्चियन और मुस्लिम बिल्कुल शांति से रहते हैं और उनमें प्यार भी है। पता नहीं कहाँ पे आ जाती है, कहीं पर गुजरत बेची जाती है, कहीं पर भाई साहब देख रहा वो मिलजुल के मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैं तो शुरू से हम सोचते आ रहे फलस्तीन के लिए दुआ करो फलस्तीन, ये तो खुशहाल है कुछ पास रहे, हम किस लिए दुआ करते हैं यार। मैं कह तो हमारे से उनके अच्छे हालात हैं, हां सही है, हाल माहौल बिल्कुल साफ क्या बताएं। लेकिन वहां पर ये है कि वो कुछ एरिया में इन्होंने इजराइल का वो छोड़ियां सी बनी है वहां पर वो कंट्रोल रखते हैं, कुछ थोड़ा सा इस तरह का एरिया हो अगर उनकी फोर्स है भी, इसमें दिक्कत क्या है, वो मार रहे उनको वो इराक के अंदर भी अमेरिकन है, वो मार रहे इराकियों को, अफगानिस्तान में अंडे थे वो मार दिए उनको, इस तरह नहीं है। जुलम अगर करते जा रहे उनके ऊपर इसराइल जिस तरह घाटा में कर रहे हैं, वो कर दे तो फिर तो जुलम है नहीं, तो फिर वो उनके कंट्री में क्यों है भाई, दूसरे किसी दूसरे कंट्री की आर्मी अगर बिल्कुल अब इंडियन आर्मी पाकिस्तान में हो बेशक वो हमें मारे ना, तो वो यहाँ क्यों है। नहीं मतलब कि मौतें तो नहीं हो रही यार, वो मार तो नहीं रहे, वो तो खुद जो बता रहे हैं। अच्छा फिर कितने खड़े हैं आप इंडियन आर्मी पाकिस्तान में हो, वो बेशक लोगों को मारे ना, उनका यहाँ होने का क्या मकसद, मकसद ये है कि उनकी पहले दिन जब आजाद हुआ तब इन्होंने अटैक किए, बिल्कुल जहाँ जहाँ पर वो कब्जा करते रहे वो अब निगरानी करते हैं कि भाई हमारे पर ऊपर इधर से अटैक, अगर मुकम्मल कब्जा है ऊपर वो अपनी फोर्स की तरह गादा में करते ना, इनकी भी आवाज उठती हुई वो मॉल नहीं है, नहीं इन्होंने कंट्रोल किया हुआ रखा हुआ है, लेकिन यह कि भाई साथ में ये भी तो होगा ना कि वो कुछ सौते तो दे रहे अपने खामियां भी है भाई, कुछ इनकी भी गलतियां हो गई भाई। वहां पे जो फलस्तीन के जो ड्रेस दिखाई गई वो तो जिस तरह अगर हिमाचल की तरफ निकले वो इशारा उस तरफ का बिल्कुल सेम वही मॉल दिख रहा था, काले लिबास और ऊपर डेकोरेशन हमारे जो पठान का इसी तरह के लिबास जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पर इस तरह के लिबास ज्यादा गर्म होते हैं ना, वो मतलब टोपी वो थी, टोपी रवायती थी भाई, ऐसी टोपियां तो मेरे ख्याल से लखनऊ में भी नहीं पहनी जाती, वो पुराने जो मुस्लिम हुआ हाँ, बिरला गालिब के दौर के बिल्कुल बिल्कुल देखिए वो जो अक्सर शायर जो हाँ शायरों के उनके सर के ऊपर आज भी दिखाया जाता है, उसके जो दिखाई दे ना वो उन्होंने पहनी होती है सेम लखनऊ वाले एरिया में बिल्कुल थे नवाब अक्सर पहनते होते थे। तो बहुत बढ़िया था भाई साहब लगा देखे, और भाई मुझे तो भाई जो क्रिश्चियन और मुस्लिम का प्यार देखे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैं देखता हूँ भाई हमने फलस्तीन में भी सॉरी इजराइल में भी देखा वहाँ पे जो मुस्लिम रह रहे थे वो भी शांति से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओपन थी ओपन सारा कुछ हो रहा है, कोई उनको कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ये सारा कई प्रॉब्लम चलती है, नफरत तो पैदा हो रही है मुसलमानों, लेकिन देखा जाए तो अच्छा जहाँ पर नफरत ऊपर वाली जो कंट्री है ना वो इनको लड़वाती है, वो कुछ करवाती लड़वाने की, अगर वरना वो क्यों लड़ाई करेगी, हम तो नहीं लड़ेंगे, उनको उकसाया जाता है जिस तरह अमेरिका पूरी दुनिया में दंगे शुरू करवाता है लड़वाइयाँ करवाता रहता है, वो इस तरह की कंट्री है जिन्होंने इनको लड़वाया है, आप वो बात आगे निकल गई है पीछे हटना मुश्किल है। अब देख लें फलस्तीन जो क्रिश्चियन के लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती है जगह, जहाँ पर हजरत ईसा की वो पैदाइश हुई थी वो जगह वहां पर है, अगले वो इसराइल में जगह दिखती थी ना जहाँ पर उनको सोने पे चढ़ाया गया वो इसराइल में थी, और जो जहाँ पर पैदा हुए वो फलस्तीन में। तो देखा जाए तो ये धार्मिक तौर पे दोनों जगहें जो है क्रिश्चियन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस है, मुसलमानों के लिए भी मानते हैं बिल्कुल भाई साहब, मुसलमान भी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जितने भाई साहब क्रिश्चियन करते हैं जी। तो वो थोड़ा भाई अपनी अपनी वो अकीदे का थोड़ा मुद्दा है, लेकिन भाई हम ऐसा नबी उनको मानते हैं, वो भी अल्लाह के नबी और भाई हमारा ईमान है, लेकिन वो आखिरी नबी नहीं है ना, वो भी मुद्दा हमारे नबी को वो मानते हैं कि वो आखिरी नबी है,
बिल्कुल वो उनको मानते हैं खुदा का बेटा, बाकी भाई हमारी अलग है, हम तो मानते हैं कि भाई वो भी अल्लाह के नबी है, ये बस डिफरेंस है, बाकी हम भी भाई उनकी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं अपने नबी की करते हैं। तो भाई बहुत बढ़िया लगा देख के, और जो माहौल था वो बिल्कुल शांत माहौल था, कोई शांति लड़ाई झगड़ा स्टार्टिंग में कोई बंदा बंदे की जात ही नजर नहीं आई, शांति इसलिए थी कि वहाँ पर वो मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ नहीं थी, पैदल तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा देख के, और अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं इंडिया के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।